गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 6:30 और आज हम जा रहे हैं हाईएस्ट पीक इन आसाम और हमारे साथ आज हैं मिस्टर चेरी वेटांग फ्रॉम मेघालय। एक छोटा सा होटल था, यहाँ पे रुक के हमने ब्रेकफास्ट किया है। भैया जगह का नाम क्या है? नीली। जगह का नाम है नीली, राइट? लेट्स गो। अभी जो है हम शायद आसाम का बॉर्डर क्रॉस करके थोड़ा सा आ गया है और इधर एक है जिसको मेजी बोलते हैं आसाम में। गाइस ये जो चीज़ है ना इसको मेजी बोलते हैं। मैं आपको ये थोड़ा सा ऊपर से दिखाता हूँ, देख लीजिए। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। It's showing 130 kilometer. 130 kilometer. Yeah. That means Pune to Mumbai. This distance. पसंद भाई आपने गाड़ी की धुलाई कर रहे हो अभी यहाँ पर? लंका में गाड़ी वॉशिंग हो रही है हमारी अभी। इधर में ज़्यादा दूर लगेगा ना? इधर में पास लगेगा, रोड ख़राब ज़्यादा है। ठीक है चलेगा। So let's go then. Come on. Jerry is ready for ride ना? Yep. हम जाएंगे लमलिंग से अभी, सो लेट्स गो। यार अमेजिंग यार, हाउ टू डू। वी हैव कंप्लीटेड 200 किलोमीटर एंड 100 किलोमीटर इज लेफ्ट। आर यू रेडी जेरी? पार्टनर जेरी के हिसाब से यहाँ पे फ़ोटो निकालने के लिए बहुत अच्छी जगह है, तो इसीलिए हम रुके इस जगह पे। आई शो यू सम ड्रोन शॉट्स एंड सम फोटोज। बूम। एक घंटा इधर स्पेंड किया है, थोड़ा बहुत फोटोज़ वगैरह निकाला और खाया, अभी निकल रहे हैं। अभी हम जाके खिलेंगे ये कान्हा। क्या घर है यार, मस्त एकदम। अभी हम आए हैं इको पार्क में। यहाँ पे जो है अंदर दो चार घर है, बाकी कुछ भी नहीं है, थोड़ा एक नर्सरी आगे। बहुत ही सुंदर जगह लग रही है। इस साइड से थोड़ा सनसेट हो रहा है और ये आगे ना एक घर है, मैं दिखाता हूँ आपको। सारा मेहनत जो ब्राउन कलर का हमें चाहिए। वाटर इज द बुश। ओह
इसको क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं, बेल का पेड़ है। हाँ। जा सकते हैं ना यहाँ से, जा सकते हैं यहाँ से। एक बड़ा रोड बना के रखा है, बट ये लंबा रोड है इसीलिए इस रोड पे कोई आता नहीं जाता नहीं। अगर आप देख रहे हो गाइस तो कितना मतलब ट्रैफिक ही नहीं है, इस साइड से हमें शॉर्टकट है, इसीलिए 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा कौन जाएगा। तुमजांग विलेज जाने के लिए कैसे जाना पड़ेगा भैया? आप यहाँ से मालवांग के बाद माहौर जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, मालवांग के बाद फिर आप वहाँ से उन लोगों को पूछना, माहौर का जो लोकल लोग है ना। हाँ हाँ, उनको पूछना कि मतलब तुमजांग किस तरफ है, तुमजांग का रास्ता किस तरफ जाता है वो। हाँ। ठीक है, फिर वहाँ से। थैंक यू। अभिचांद भैया है, इन्होंने काफ़ी सारा मतलब इंफॉर्मेशन दिया कैसे जाना है आगे क्या करना है, और यहाँ पे एक दो व्यू पॉइंट है इसके बारे में भी बताया। सो अभी यहाँ से देखते और निकलते माहौर के लिए। चलेगा, चलो बाय बाय। यहाँ पे ऐसे बोर्ड वगैरह आएगा सब कुछ अभी, है ना। अच्छा किया है। इंटरनेशनल हाईवे 27। माहौर कितना दूर है? 5 किलोमीटर। ऐसे मैप पे नहीं दिखाता है क्या ये? मैप पे देखो, ये पीछे से घुमा के दिखा रहा है। जगह का नाम माहौर है, जगह का नाम माहौर है। क्या है ना, बहुत सारा जर्नी करके आते हैं तो खाना मिलेगा ना तो बहुत दिल खुश हो जाता है ऐसा। और खाना गर्म रहता है तो फिर तो पूछो ही मत। और प्यार भरे हाथों से खाना मिलता है खाने के लिए तो फिर और ज़्यादा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। सो अभी खाना खाते हैं, बहुत भूख लगा है। सो अभी हम जा रहे हैं पिले क्यू, राइट? पुले पुराना, अच्छा पुराना लेक पुल। ये एक यहाँ पे ना प्लेग्राउंड है और यह स्तंभ है, और यहाँ से ये जाता है लेफ्ट साइड में पीले कुल के लिए रास्ता, और ये जाता है उधर सिलचर के लिए। उनको पूछो कि वो तुमजांग विलेज जाना है कल। डिस्टेंस हुआ है हमारा 320 किलोमीटर मॉर्निंग से लेके, और हम पहुँचे हैं वेलकम टू पीले कुल 1871। ओ माय गॉड, लेट्स डू इट। पहुँचे हैं पीले कुल विलेज में, और यहाँ पे जो है सब भाई लोग ने एकदम वेलकम किया अच्छे से। अब यहाँ पे उनके यहाँ पे गाड़ी लगाया है, ये देखो काम कर रहे हैं रात भर। ये यहाँ पे कितना सुंदर है यहाँ पे बैठने के लिए। अभी थोड़ा धूप ये लगाया है तो, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे भी हमारे उधर की तरह। सो अभी यहाँ से चाय लेके हम निकलेंगे ऊपर। वो टेक्निक है इसीलिए मैं करूंगा तो मेरा बोट गायब हो जाएगा। इधर भैया है ना ये बना रहे हैं, कुछ झाड़ू बना रहे हैं, बांबू का है ना। हाँ। तो में रहने वाला ना। हाँ। वाला ना दूसरा आदमी देखेगा तो कहाँ कान में है वो बोलेगा तो क्या? नहीं नहीं, अच्छा लगता है देख के। ये सब तुम्हारा ट्रेडिशन है ना बोलता है। सो ये है केन, और इसका भी एकदम काट काट के बारीक मेहनत करके इसका गाची है। हाँ केन है, केन। ओ माय गॉड, ये तो ड्रैगन फ्रूट लग रहे हैं, वो गेम ऑफ थ्रोन्स में लग रहे थे ना वैसे। खाते हैं इसको अंदर वाला है डायरेक्ट ऐसे हम लोग अंदर का ये है ना। अच्छा एक सेकंड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग उनको भाषा में ना तिनगा बोलते हैं। तिनगा। सो ये तिनगा है, क्या मस्त लग रहा है ये चीज। तिनगा में जाने से नहीं, कहीं पे भी नहीं। ये इसको पूरा ऐसे खोलते हैं, इसको देखो खोलने के बाद में ऐसे होगा, और हम इसको अभी खाएंगे।
ये टेस्ट जानता हूँ मैं, सॉवर टेस्ट। एक फ्रूट आता है एयरमूला नाम का महाराष्ट्र में, उसकी तरह लग रहा है ये टेस्ट। इसके भीतर में दुखाई गया। अच्छा, ये पूरा गोल गोल करके उसको ऐसे। हाँ, ऐसे ठीक है। ऐसे हाँ, और इसे गुराई गया। हाँ, ऐसे गुराई गुराई के। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये पूरा ऐसे बना के एक एक करके पूरा बन जाएगा। ठीक है। फिले कुल के जो मुखिया है उनके घर पे आए हैं भैया, जो है हमें लेके आए हैं। बट जो मुखिया जी है अभी वो दूसरे गांव गए हैं। यहाँ पे उनका ये है, इतना सुंदर घर है, पूरा पारंपरिक ट्रेडिशनल है सब यहाँ पे। हाय जेरी। और ये अभी ठंड की वजह से सब जगह पे ऐसे रहता है क्या? हाँ, ये जो होगा ऐसे ही रहेगा, पूरा ठंड हो या गरम हो ऐसे रहेगा, ऐसा ही है। अच्छा, ये मतलब पूरा घर पे बनाया है सब कुछ। हाँ। और ये जो बैठने के लिए बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम लोग चौकी बोलते हैं। चौकी। हाँ, इधर भी है ना एक। टाइम हो रहा है 10:00 अराउंड, और अब जो है हम यहाँ पे रुके हैं। जेरी स्लीपिंग, वेरी स्लीपी गाय, और मैं यहाँ पे सो जाऊँगा। यहाँ पे जो है अभी मतलब इनके पास एक्स्ट्रा था ऑलरेडी सेटअप, तो हम ये यूज़ कर रहे हैं। जो टेंट वगैरह वो वैसे रखेंगे, और चलो अभी सो जाते हैं, कल सुबह 3 बजे उठना है। गुड नाइट।